दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे वीडियो से बिना किसी कोचिंग क्लासेस और कम समय में तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको सभी वीडियो सीरियल वाइज मिल सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का हम 17वां लेक्चर पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स हैं, जो कि फिलहाल आपका वीडियो जैसे एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे जो एग्जाम है और SSC CGL के जो एग्जाम है, इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये सीरीज पूरी चैप्टर वाइज चलाई जा रही है और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड है ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, अब से आप मेरे द्वारा बने हुए कोर्स अनअकैडमी पर भी पा सकते हैं, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और मेरे द्वारा जितने भी कोर्सेज बने हुए हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और हम इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसे हम चैप्टर वाइज चला रहे हैं और चैप्टर में भी ये सील वाइज अरेंज किए ताकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। तो आज देखिए कि नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, भारतीय संसद। भारतीय संसद से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ये सारे आपको बताए जाएंगे सील से। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसके PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए और इसके PDF आप पा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, संसद आप जानते ही हैं। तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो भारतीय संसद के कितने सदन है, ये आपको सबको मालूम होगा, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है किस सदन को, तो लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा। उसके बाद देखिए, संसद का स्थायी सदन कौन सा कहलाता है, तो राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन कहलाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय संसद में शामिल है क्या क्या शामिल है आखिर भारतीय संसद के अंतर्गत, तो देखिए लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। ठीक है, ये आंसर होगा। उसके देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है, तो याद रखिए आर्टिकल 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, देखिए उपराष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। तो बाकी आपको मालूम है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलकर ही संसद बनती है आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग। तो क्या है आर्टिकल 79, जो भारत की संसद होगी वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा है अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग है क्या। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, घुमा फिरा कैसे पूछा हुआ, तो आपको मालूम है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है भारतीय संसद के कितने अंग है, यहाँ पे तो 3 अंग है। ठीक है, ऐसा पूछा है भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है ऐसे, तो अंग पूछा जाए तो आप आंसर क्या बताएंगे, 3। आपको मालूम पड़ गया कौन कौन से। उसके देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी, अभी अभी आपको बता दिया आर्टिकल 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, आपको चुनना है कौन सा गलत है। तो ठीक है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, यस बिल्कुल सही है ये तो। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, यस द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है, नहीं, राज्यसभा एक स्थाई सदन होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है, जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो डायरेक्ट चुन के आए होंगे लोगों के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ना, तो सही है बिल्कुल। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है, तो ये बताइए निम्न सदन कौन सा है, उच्च सदन कौन सा है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको आता है मुझे मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, इन ऑप्शन से आपको बताना है कौन सक्षम है, तो याद रखिए आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी, शीतकालीन सत्र भी, तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है, तो देखिए मैक्सिमम जो है वो
6 महीने का आप अंतराल होता है दो सेशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्डिनरी बिल के संबंध में, साधारण विधेयक के रूप में, साधारण विधेयक इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राष्ट्रपति बुलाता है उस बैठक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार कि देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा मतभेद होने पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। इस ऑप्शन में ये आंसर सही होगा, मतलब ये संयुक्त बैठक तभी होगी जब एक ऐसा बिल हो जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, उस पर विचार करने के लिए या उसे पास करने के लिए संयुक्त बैठक ये बुलाई जाती है। ये भी एग्जाम में आपके पूछा हुआ है बहुत बार, रेलवे एग्जाम में देखिए ये इस तरीके से पूछा हुआ है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, तो उनसे क्या होगा, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान कौन करेगा? तो इसका आंसर भी आपको मालूम हो गया कि इसका समाधान जो है संसद का जो संयुक्त सत्र होगा, जो संयुक्त बैठक होगी वो करेगा। तो आंसर क्या होगा, संसद का संयुक्त सत्र। तो स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है, याद रखिए आंसर क्या है, 3 बार बुलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो याद है कभी नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं, तो आंसर क्या है, कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है आखिर? तो याद रखिए जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे वही करेंगे, ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वही करेंगे। और ये पूछा जाए कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो संबोधित करने वाले राष्ट्रपति होते हैं, आंसर क्या है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रावधान के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा, ठीक है, प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो इसका आंसर है 0 असेंबली, शून्यकाल, मतलब प्रश्नकाल के बाद जो इमीडिएटली टाइम आता है वही शून्यकाल। जैसे 11 बजे से 12 बजे तक आपका क्वेश्चन आवर हो गया प्रश्नकाल, और 12 बजे से आपका जो है शुरू होता है शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक आखिर? तो 60 दिनों तक अगर बिना सदन को सूचित किए वो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो देखिए इनमें से संविधान संशोधन जो कानून है, संविधान संशोधन अधिनियम, ये दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग जो है और स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होना आवश्यक है, तब जाके पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है आखिर? तो सांसदों के वेतन का निर्णय खुद संसद ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है या आवश्यक है? तो 1/10, आंसर क्या है इसका, 1/10, मतलब 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, संघीय सरकार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु मतलब हंग पार्लियामेंट, तो इसका गठन कब हुआ, तो 1989 में, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? तो 17 अप्रैल 1952 तक रहा, ठीक है, 17 अप्रैल 1952 तक, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की जो संसद है, जो भारत की जो पार्लियामेंट है, उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इसके बाद वाले जो भी वीडियो होंगे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के लिंक है, जरूर देखिएगा। चैनल पर जरूर जाइएगा, वहां पे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। चैनल में जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ फोल्डर बने होते हैं, फोल्डर में अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन किए गए, ये लेक्चर इसका है, ये लेक्चर इसका है, तो वहां पे आपको सब मालूम पड़ जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ मिलते रहेंगे आपको, ये जो हम पढ़ा रहे हैं स्क्रीनशॉट ये मिल जाएंगे वहां पे। अच्छा लगा शेयर कर लीजिए, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे वीडियो सीरीज वाइज मिलते रहे। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।